मैं अकेला ही चला था जनाबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और अभी तक के सफ़र ने मुझे बहुत कुछ दिखाया, सिखाया और बहुत सारे दोस्त इस दौरान बने, जो कि मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। और मुझे लगता है दोस्तों कि अगर अच्छे से इंडिया को एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए आपको दो जन भी कम पड़ेंगे। लेकिन ये जो सफ़र है, इसने मुझे ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां अगर मैं चारों तरफ देखता हूं तो चारों तरफ मुझे सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती नज़र आती है। और कल रात मैं मिला बीके कन्नाई से, जब मैं रामेश्वरम जा रहा था, तो ऐसे ही बहुत सारे दोस्त बनते जा रहे हैं और उनके साथ मैं चलता जा रहा हूं। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं धनुषकोडी को। पूरा गाड़ी ही गाड़ी भर गया यहाँ तो, कितना सारा है। मुश्किल लग रहा है बाइक निकालना। लेट्स सी, तो ये खड़ी हमारी बाइक और फटाफट इसमें मैं लगाता हूँ अपना ये टैंक बैग और सारी चीज़ें, फिर निकलते हैं। तो पेट्रोल हो गया है ख़त्म, सबसे पहले पेट्रोल फिल कराना पड़ेगा, उसी के बाद हम धनुषकोडी जाएगा। तो पहला पिट स्टॉप है पेट्रोल पंप। बिना पेट्रोल के तो भाई गाड़ी ना चले, यो तो मोटरसाइकिल्स है। चांद छुपा बादल में, यार चांद नहीं वो सूरज है, सूरज। तो भाई सारी पब्लिक जा रही है रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करने, तो हम नहीं जा रहे, एक्चुअली हम जा रहे हैं धनुषकोडी। कल हमने बाहर से दर्शन कर लिए थे, अंदर कैमराज वगैरह अलाउड नहीं है, हमारे पास कैमराज थे, तो कोशिश करूँगा एक बार जाने की अगर टाइम मिला विदाउट कैमरा। अरे अंकल जी का करत हो, ये है रामेश्वरम टाउन। बहुत भीड़ है यार, सुबह के 7:14 हो चुके हैं तब भी इतनी भीड़ है। मेरे ख्याल से तो रास्ता यही है धनुषकोडी। यस, तो यहाँ से सीधा हम जाएंगे धनुषकोडी, द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। मैं अरे भैया साइड हो लो, इतने सारे बंदे हो तुम। अरे नाइस। तो कन्यार भाई बोल रहे हैं कि उनके पास गोप्रो नहीं है, तो उनका ही फोन गोप्रो है यार, मतलब वैसे ही वो फोटो शूट वगैरह करते रहते हैं। तो भाई लोगों हवा काफ़ी चल रही है इधर, तो आपको दोनों तरफ समंदर देखने को मिलेगा थोड़ी देर बाद। और यहाँ पर चल रही है भाई की वॉकिंग शॉकिंग नहीं जॉगिंग शॉकिंग। जिंदगी में एक बार धनुषकोडी ज़रूर आइएगा, जो यहाँ का एक्सपीरियंस है बहुत ही अलग है, आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। दोनों तरफ समुद्र है, एक्चुअली तीनों तरफ समुद्र आपको नज़र आएगा जब आप बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुँचेंगे। तो मैं लेके चल रहा हूँ आपको धनुषकोडी। सो गाइस, धनुषकोडी यहाँ से रह गया सिर्फ 9-10 किलोमीटर और हम सुबह इसलिए निकले हैं, एक तो संडे है
और संडे को यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम थोड़ा सा लेट निकलते तो भाई भीड़ बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर, इसलिए हम सुबह सुबह का जो आनंद है ठंडी हवा का वो ले रहे हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको उधर जाके दिखाई देता हूँ नज़ारा क्या ब्यूटीफुल है। अभी ट्रैफिक बहुत कम है तो मज़ा आएगा यार। वेट वेट वेट, लेट मी शो यू, वेट। एक बार सीन दिखाते हैं आपको भाई, जो यहाँ का नीला समंदर है बहुत ही गजब। और रेत है यहाँ पर, ओ माय गॉड, चढ़ेगा कैसे। वेट, देखते हैं ऊपर चढ़ के। ओ ओ ओ, चढ़ जा बेटा। ओ माय गॉड, तो ऊपर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन भाई सी हाँ क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। हाँ, तो कानियान भाई उधर रुके हुए हैं, बहुत ही शानदार। तो यहाँ के समुंदर का जो पानी है इतना नीला है यार, मेरे ख्याल से पूरी कंट्री में और कहीं से शायद ना दिखे। चलिए आगे चलते हैं धनुषकोटी की तरफ, फिर जो आगे का नज़ारा है वो दिखाते हैं आपको। तो भाई साहब धनुषकोडी हम पहुंच चुके हैं और सिर्फ 1 किलोमीटर धनुषकोडी रह गया है। ओल्ड हार्बर है ये लेफ्ट हैंड साइड में, और धनुषकोडी टाउन सामने ही है। टाउन नहीं बोल सकते, विलेज बोल सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर कोई बड़ी बिल्डिंग है नहीं, ये देखिए बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स हैं लेकिन अभी कोई भी खुली नहीं है। तो यहाँ पर देखो शंख वगैरह भी बेच रहे हैं लोग, और वो रहा चर्च जो कि मेरे ख्याल से बहुत साल पुराना है, किसी सुनामी वगैरह में पूरा मेरे ख्याल से तबाह हो गया था ये। इट्स रुइंड चर्च, ओल्ड चर्च, यस। जाएगा बाद में चलेगा, पहले इधर चलता है ना, इधर पर जाएगा। हाँ बाद में तो जाएगा। यस यस यार, धनुषकोडी का बोर्ड कहाँ गया है? There was a board in Dhanushkodi, where it gone? तो उधर भी समंदर है, इधर भी समंदर है, अब आगे भी समंदर ही आएगा, मतलब तीनों तरफ समंदर होगा हमारे। क्या नज़ारा होगा। चलो वाओ मैन वाओ, क्या जगह है भाई साहब, ये है जगह। दिस इज कॉल्ड रियल हेवन। इंडिया के आखिरी कोने में, मतलब कि सबसे निचले छोर पर ऑलरेडी हम आ चुके हैं, तो साउदर्न टिप ऑफ इंडिया कहा जाता है वो। देखिए अशोक चक्र है उधर। जब मैं 2016 में आया था तो यहाँ तक रोड नहीं बना हुआ था, जो धनुषकोडी का चेक पोस्ट था वहीं से ऑफ रोड स्टार्ट हो गया था। तो भाई पूरा ऑफ रोड करके गए थे, उसकी भी वीडियो डाली हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया के नाम से। ओह गजब गजब गजब। We'll be right back.
सो भाई साहब बहुत मजा आ रहा है इधर। ऑलरेडी मुझे एक घंटे से ऊपर हो चुका है। कन्यान भाई निकल रहे हैं कन्याकुमारी के लिए और अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करूँगा क्योंकि यार मुझे तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर और कुछ एक फोटोग्राफ्स ड्रोन शॉट्स वगैरह लिए हैं। आई होप कि आपको पसंद आएंगे। हाँ मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया, एक्चुअली बहुत मज़ा आ गया, बड़े वाला मज़ा आ गया। कुछ खाना पीना किया जाए यहाँ पर, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। कहाँ मिलेगा भाई, कुछ है क्या यहाँ? तो भाई ग्रुप पार्टी चल रही है, क्या चल रहा है? इतने सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ पर भाई बहुत गंद फैला दिया है लोगों ने। चलो जो भी है, क्या करें, अब टूरिस्ट स्पॉट तो है ही। कुछ खाते हैं यार, भूख लगाई, बहुत तेज भूख लगाई है। ठीक है ना, पाइनएप्पल पाइनएप्पल हाँ, दिस वन 20 ना, ओके। तो 20 रुपीज़ में भाई क्या गजब का फ्रूट मिला है। तरबूज है, खाते हैं यार इसको, भूख लग रही है बड़ी तेज। भाई फ्रूट खा के मज़ा आ गया, कुछ गया पेट में, अच्छा लगा और अब खाने का मन कर रहा है आइसक्रीम। आइसक्रीम खाते हैं। तो ये है अशोक चक्र यहाँ का। अरे भाई कहाँ घुसाएगा, अरे भैया घुसने दो हमें। आइसक्रीम है भाई, भीड़ बहुत हो गई है यहाँ पर, हद से ज़्यादा भीड़ है और मेरा जो GoPro है वो भी डेड होने वाला है। दे दे दे, एक आइसक्रीम दो कोई बढ़िया सी। चोको बार मिली है भाई 15 रुपये की। वार्निंग लिखी हुई है कि यहाँ पर नहाना बिल्कुल मना है, लेकिन फिर भी लोग अंदर घुसे हुए हैं और कई लोग नहा भी रहे हैं और उस साइड तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो अब मैं जा रहा हूँ वापसी अपने रूम पर, लेकिन उससे पहले धनुषकोडी में 2-4 मिनट रुकेंगे, पानी वगैरह पीता हूँ मैं और एक भाई मिले। आपका नाम क्या है? देवेंद्र सिंह। तो यार ये भी ना ट्रेन जर्नी कर रहे हैं, वो भी सोलो दिल्ली से। कितना लेता भाई? 100 कम नहीं? 50 हाँ, पेट्रोल लीटर 70। नाउ चेन्नई, यस चेन्नई, कोलकाता, नॉर्थ ईस्ट, नेपाल, भूटान, म्यांमार। कमिंग टू हैदराबाद? यस यस ऑफ कोर्स। तो भैया दुपहिया से हम 4 पहिए पे आ गए हैं, ATV चलाएंगे अब, चला के देखते हैं। और रेट भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 100 रुपये में करा रहे हैं तो कर लेते हैं यार। और एक भाई ने बताया दुबई में करने जाओगे तो 1000 रुपये लगेंगे, यहाँ पर आप 100 रुपये में कर रहे हो। ओह माय गॉड, पूरा हिल रहा है ये तो। ओ भाई, अरे भाई गिर ना जाऊँ। ओ लवली लवली लवली, ओ समुद्र आ गया भाई, समुद्र। हमें व्यू देखना है, जो पाम बांध का व्यू है। भाई कैमरे पे आने को राजी नहीं थे तो सोच रहे कुछ गड़बड़ हो जाएगा उनके साथ।